आज मैं आप लोगों के लिए मटेरियल साइंस का पार्ट टू लेकर आया। प्रीवियस वीडियो में हमने मटेरियल साइंस का मोस्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बता चुका हूं, तो अगर आप अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख सकते हैं। देखिए यहां से लिखा हुआ है पॉइजन रेशियो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे, लिखा हुआ रहेगा व्हाट इज द पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या है, तो आप किस प्रकार लिखेंगे, तो पॉइजन रेशियो कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो। लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया है, तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसे ग्रीक लेटर म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, तो वही लिखा हुआ है इट इज जनरली डिनोटेड बाई द ग्रीक लेटर। ग्रीक लेटर याद रखेंगे, ग्रीक लेटर म्यू से डिनोट किया जाता है। म्यू इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था कि रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो को ही हम लोग पॉइजन रेशियो कहते हैं। इतना लिख देंगे, आपको दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा, फुल में फुल मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है प्लास्टिसिटी क्या है। प्लास्टिसिटी क्या है, तो प्लास्टिसिटी इट इज द सच टाइप ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, यह एक प्रकार का मैकेनिकल गुण है। देयर आर मटेरियल की फॉर्म परमानेंटली इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। देयर आर मटेरियल इसमें डिफॉर्म हमेशा के लिए डिफॉर्म कर जाता है, उसी को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पूछा जाएगा आपसे कि व्हाट इज द ब्रिटलनेस या डिफाइन बिटरनेस, तो बिटरनेस को किस प्रकार डिफाइन करेंगे आप लोग, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमने सिंपल भाषा में आपको बताया हुआ है, करा इट इज सच टाइप ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इट इज सच टाइप ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी इन विच फ्रैक्चर टेक प्लेस ड्यू टू स्मॉल डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है झटका, हल्का सा झटका लगने के पश्चात जो मटेरियल ब्रेक कर जाए, फ्रैक्चर टूट जाए, उसी को हम लोग ब्रिटलनेस कहते हैं। तो देखिए ग्लास, ग्लास को आप हल्का भी झटका लगेगा तो टूट जाएगा। कास्ट आयरन, ये सब इसका एग्जांपल है, तो ये आपका रहा ब्रिटलनेस का डिफिनीशन। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द टफनेस, तो टफनेस क्या है, तो टफनेस को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, इट इज द एबिलिटी या कैपेसिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, क्षमता किसी भी मटेरियल का क्या क्षमता है। तो कह रहा है इट इज द एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल टू स्टोर द एनर्जी अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट इज कॉल्ड टफनेस। फ्रैक्चर पॉइंट इज कॉल्ड टफनेस, इसका मतलब है कि किसी भी मटेरियल का वह क्षमता जो फ्रैक्चर पॉइंट तक एनर्जी को स्टोर कर सके, उसी को हम लोग टफनेस कहते हैं। तो इसका एग्जांपल देखिए मिल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील। नेक्स्ट देखिए कह रहा है रेजिलियंस क्या है, रेजिलियंस क्या है, तो इट इज द एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ एनी मटेरियल टू स्टोर द एनर्जी अप टू द इलास्टिक लिमिट, उसमें था अप टू द फ्रैक्चर पॉइंट, इसमें है अप टू द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड रेजिलियंस। किसी भी मटेरियल का वैसा क्षमता जो इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी को स्टोर करे, उसे हम लोग रिजिलियंस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है
क्या है, मैलियबिलिटी क्या है? तो इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ड्रा इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट। किसी भी मटेरियल का वैसा क्षमता जिसे हम थिन शीट के रूप में ड्रा कर सकें, उसी को हम लोग मैलियबिलिटी कहते हैं, मैलियबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 2021 SBT बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे। फटी, तो फटी क्या होता है? तो इट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी, देयर आर सम साइक्लिंग लोडिंग अप्लाई ऑन द बॉडी विल बी ब्रेक बिफोर द यील्ड पॉइंट। इसका मतलब कह रहा है कि यह एक मैकेनिकल गुण है, देयर आर सम साइक्लिंग लोडिंग, जिसमें कि कुछ साइक्लिंग लोडिंग अप्लाई करते हैं तो मटेरियल बिफोर यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट से पहले ही क्या करता है, ब्रेक कर जाता है, उसी को हम लोग फटीग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, डेंसिटी, आप लोग डेंसिटी के बारे में जानते होंगे, 8th क्लास 7th क्लास में ही पढ़े होंगे। घनत्व, डेंसिटी मतलब घनत्व, घनत्व। अब घनत्व किसे कहते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। मास और वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी जनरली डिनोटेड बाई रो, डेंसिटी को हम लोग जनरली रो से डिनोट करते हैं, एंड इट्स एसआई यूनिट इज किलो पर मीटर क्यूब। इट्स एसआई यूनिट इज किलो पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम, तो मास का होता है एसआई यूनिट केजी, और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा किलो पर मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कोरोजन क्या है? कोरोजन, तो कोरोजन का डिफिनेशन देखिए क्या, जंग लगना, इसका हिंदी जंग लगना था। इट इज द केमिकल रिएक्शन। कोरोजन कैसे होता है? जब हम किसी भी मटेरियल को खुले में छोड़ देते हैं, तो खुला में बहुत सारे गैस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे गैस होते हैं, तो किसी न किसी गैस से रिएक्शन करके ही या केमिकल के साथ रिएक्शन करके ही तो जंग लगता है। तो कह रहा है इट इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल, मेटल में जंग लगता है, तो मेटल एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के उपस्थिति में मेटल, अगर मेटल में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही मेटल में जंग लगता है। तो कह रहा है कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड ऑक्सीजन आफ्टर द रिएक्शन मेटल स्टार्टेड टू द डिकम्पोज इज कॉल्ड कोरोजन। डिकम्पोज के मतलब जैसे देखते हैं जंग लगता है तो छोटे छोटे पार्टिकल उस पर धब्बे के रूप में लग जाते हैं, उसी को डिकम्पोज होना कहते हैं। तो मेटल, मेटल के रूप में आयरन हो सकता है, कास्ट आयरन हो सकता है, और ऑक्सीजन, ये दोनों को केमिकल रिएक्शन के कारण ही हमारा जो मेटल है वो कोरोजन ग्रसित हो जाता है। तो इसका डिफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे 4 Fe+3O2 इक्वल टू, या कुछ समीकरण है, आयरन ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड बनाता है, फेरस ऑक्साइड बनाता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट में कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इस पर भी ध्यान देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोरोजन डज नॉट टेक प्लेस, बिना ऑक्सीजन के कोरोजन नहीं लगेगा। जैसे देखिए, आप लोग घर में लोहे की वस्तु लाते हैं, तो उस पर कोरोजन लगने की डर से क्या करते हैं, उसे पेंट करते हैं। पेंट क्यों करते हैं? आप लोग तो जानते हैं कि पेंट कर देंगे तो इस पर
जंग है नहीं लगेगा, लेकिन इसका कारण है कि आप लोग पेंट कर देते हैं तो उसको ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है, वह जो मेटल है वो ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है, जिसके कारण उसके संपर्क में ऑक्सीजन नहीं आता है और वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगता है। अब कह रहा है टाइप्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन दो प्रकार के होते हैं, एक तो ड्राई कोरोजन होता है, एक तो वेट कोरोजन होता है। तो ड्राई कोरोजन किसे कहते हैं, तो देखिए पहला देखिए वेट कोरोजन। वेट कोरोजन किसे कहते हैं, द सच टाइप ऑफ कोरोजन टेक प्लेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के प्रेजेंसी के कारण जो कोरोजन होता है उसी को हम लोग वेट कोरोजन कहते हैं, लिक्विड के प्रेजेंसी के कारण। अब नेक्स्ट देखिए ड्राई कोरोजन, कह रहा इट इज सच टाइप ऑफ कोरोजन विच टेक प्लेस विद द कॉन्टैक्ट ऑफ गैसेस। गैस के कारण जो कोरोजन लगता है उसे हम लोग ड्राई कोरोजन कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है जंग रोकने वाला मटेरियल, कोरोजन रेजिस्टिंग मटेरियल। वो ऐसा कौन सा मटेरियल है जो जंग को रोकता है, इट इज सच टाइप ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट या प्रिवेंट द कोरोजन्स सच एज क्रोमियम। क्रोमियम, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो ये सब मटेरियल है जो कि कोरोजन को रोकता है, रेजिस्ट करता है। तो क्रोमियम में भी कोरोजन नहीं लगता है, एल्यूमिनियम में देखिएगा कोरोजन नहीं होता है, कॉपर में भी नहीं लगता है। तो ये सब ऐसे मटेरियल है जो कि कोरोजन को रेजिस्ट करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे और भी अलग अलग डिफिनेशन, जैसे सोम का और आपका हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद, बाय बाय।